हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। जीवस जीवस हम लोग 2024 यूज कर रहे हैं। ओके, तो जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पहला पार्ट हमारा क्या होता है कि हम लोगों को उसके अंदर उसका यूजर इंटरफेस देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका होम पेज है। होम पेज में लाइक यहाँ पे कई चीजें गिवन है कि भाई अगर आप लोगों ने कुछ इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखना है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिंक दे रखा है, क्लिक करोगे चेक इट आउट। ठीक है, ठीक है, लोग यहाँ पे कई वीडियोज भी दे रखे हैं। ठीक है, ये वीडियोज ऐसे हैं जिनको आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो, चाहो तो एक बार देख के ट्राई कर लेना। ठीक है, इनका जो पार्ट है यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे कई चीज़ ऐसे मिलेंगी, यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट दिखेगा भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जो लोग अभी नए नए हैं और जिन लोगों ने अभी काम करना स्टार्ट किया है, जिस बस अभी स्टार्ट किया था, उन लोगों के लिए कुछ तो नया होगा। फिर अगर आप में पेशेंस है कि आप 1.5 घंटे बैठ के देख सकते हो, 1.5-2 घंटे बैठ के देख सकते हो तो देख सकते हो, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता चलेगा तब तक आप इस पर काम नहीं कर सकते। तो आई सजेस्ट कि आप लोगों ये अभी नहीं देखना, 2-4-5 क्लास 10 क्लास के बाद अगर आप देखते हो तो आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ, ओके, दिस इज आवर वेबसाइट। ये वेबसाइट है हमारी। ठीक है, हम लोग इसमें बात करें कि भाई मुझे अगर कुछ भी चाहिए चाहिए तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अवेलेबल कर रखा है। लाइक मैं इसमें ब्लॉग डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपको कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड एंड मॉडलिंग इंडक्शन से रिलेटेड डेटा चाहिए तो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करें यहाँ पे जीवस 2024। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई जीवस 2024 में है क्या। ठीक है, जीवस क्या है? जीवस हैज ए यूनिक पावरफुल यूजर इंटरफेस। ठीक है, डिजाइन फॉर डिजिटल स्कल्पिंग। डिजिटल स्कल्पिंग जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है या मैं करता हूँ कि डिजिटल मतलब कंप्यूटराइज, स्कल्पिंग मतलब आप कुछ भी स्कल्प करके कुछ बना दो। जैसे स्कल्पिंग होता क्या है, नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं जो कुम्हार होते हैं वो लोग स्कल्पिंग करके कोई भी स्टैचू या मूर्ति बनाते हैं। वो पहले का टाइम था, आज के टाइम पे क्या है कि वो सारी टेक्निक अभी एड ऑन कर दिया गया है जीवस के अंदर। आप कोई भी चीज बना सकते हो, जैसे हम लोग नवरात्रि में मूर्तियां लेकर आते हैं कि देवी माता का मूर्ति लेकर आते हैं, नवरात्रि होते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे शिव जैसे और भी कुछ होते हैं, है ना, गणेश चतुर्थी हो गया, है ना, शिवरात्रि हो गया, तो इसमें मूर्ति हम लोग लेकर आते हैं। वो मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्तिकार जो होते हैं, उन लोगों का काम होता है। लेकिन अभी क्या है कि ये सब टेक्निक हम लोगों को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया कि आप इसमें कोई भी आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे आपको कोई अगर आपको स्टैचू बनाना है, जैसे मैंने कहा भाई मुझे शिव जी का कोई स्टैचू बनाना है तो शायद मैंने यहाँ पे बना के डाला हुआ है। ठीक है, अभी वो एक टाइम था, अभी ये टाइम है। इसमें क्या, जैसे आपको एक मंकी का एक फेस बना के डाला है, कार्टूनिक कुछ ऐसा, जैसे शिव जी का एक स्टैचू है, आदि योगी जी का एक स्टैचू है। इनमें क्या है कि ये जब हम लोग स्टैचू बना रहे हैं इसका मोटिव भी है। एक तो पहले हम स्कल्पिंग करें, डिजिटल स्कल्पिंग। ठीक है, अगर कोई बार अपने हाथों से बनाता है उसे स्कल्पिंग बोलेंगे। ठीक है, वो स्कल्प कर रहा होता है। उसके बाद अगर इसे कंप्यूटर में बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं डिजिटल स्कल्पिंग। अभी ये चीज जब हम लोग बना रहे होते हैं तो इसमें हमारे क्या होता है, हमें एनाटॉमी की नॉलेज होना जरूरी होता है। तो हम लोग एनाटॉमी को स्टडी करते हैं कि भाई मैं जो कैरेक्टर की जो एनाटॉमी है उसको मैं देखूंगा, उसको मैं चीजों को फुलफिल करूंगा, तो चीजों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ और चीजों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, ये सारा पार्ट इसके अंदर आता है। ओके, तो लाइक अभी इसके अंदर हम लोग जो चीजों को देख रहे हैं उसका एक मेन पार्ट है कि भाई अगर मैं चीजों को फुलफिल कर रहा हूँ तो हम लोग स्कल्पिंग क्यों कर रहे हैं उसका मोटिव जानेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देखा भाई हम लोग यहाँ पे चीजों को बना किस ले रहे हैं, बनाने का मोटिव क्या है कि आजकल जो भी पेंडेंट होते हैं उन सब चीजों का जो डिटेल एंड डिजाइनिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग वो सब चीज क्या करने वाले हैं, वो सब चीज हम लोग इसमें बनाते हैं। वो सब चीजें काम आता है किसी चीज का साक्ष्य बनाने के लिए या पेंडेंट बनाने के लिए या कोई मूर्ति बनाने के लिए। ओके, तो ये एक इस पर्पज के लिए भी काम आता है, मूवी के लिए भी काम आता है, गेम के लिए भी काम आता है, इंडस्ट्री में बहुत सी चीजों के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे उसके बारे में कुछ बता रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या है, लाइक जीवीएस का कुछ इंटरफेस है। अब यहाँ पे क्या है, टाइटल बार है। ठीक है, अभी टाइटल बार है, सेल्फ है, अभी ये सब चीज जानते हैं भाई टाइटल बार किसे बोलते हैं, है ना। डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट, जो नाम दे रखा है उसका उसे बोलते हैं टाइटल बार। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या स्विच कर दिया, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, अभी यहाँ पे लेकर जीबीएस 2024। ओके, तो ये इसका टाइटल बार है। जैसे हम लोग उसको कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसके बाद देखते हैं हम लोग टॉप सेल्फ। ठीक है, टॉप सेल्फ का काम क्या होता है भाई, टॉप सेल्फ में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, हाउसेस वेरियस मेन्यूज एंड बटन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइल एडिट टूल्स एंड अदर्स। ठीक है, फाइल एडिट टूल्स एंड अदर्स में कहाँ गया हम लोग, यहाँ पे गए। ठीक है, ये देखो। ठीक है, वैसे हम लोगों ने काफी सॉफ्टवेयर पढ़े, तो काफी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी चीज होती है कि भाई
मेन मेन्यू किसे बोलते हैं, मेन मेन्यू या मेन्यू आप बोलोगे तो भी आपका ये इसमें कवर होगा, ठीक है। तो इसमें टॉप सेल्फ बोल रखा है, ठीक है। इसमें कुछ मेंशन करके क्विक एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली, ठीक है, यूज फंक्शन, जैसे क्विक एक्सेस भी दे रखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्विक सेव है, तो मैं क्विक सेव कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई काम किया तो मैं ऐसे सेव कर सकता हूँ। सी थ्रू है, मतलब मुझे ट्रांसपेरेंट करना है तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। ओके, मेन्यूज है, मेन्यूज के साथ मैं ऑन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है, जिसे हम लोग वेलकम विंडो बोलते हैं, ठीक है, वो पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल हो रहा होता है। तो ये सब चीज हमें, हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये हमारा टाइटल बार है, यहाँ पे क्विक सेव है, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑटो क्रॉप स्टैच्यू है ना, स्टेटस है, ठीक है, ऑटो क्रॉप स्टेटस है यहाँ पे, ठीक है। आपका इंटरफेसेस है, इंटरफेस का आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो भी आपको कलर पसंद हो उस कलर के अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो, ठीक है। मैं इस पे वर्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लेआउट है, लेआउट को आप यहाँ पे लेआउट कैसे चेंज कर सकते हो देखिए आपके पास यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अलग अलग लेआउट आपको मिलेंगे यहाँ पे, ओके। तो अगर आपका लेआउट यहाँ पे, तो आप लेआउट को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। इसमें क्या हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने बाई डिफॉल्ट भी कुछ लेआउट आपके पास यहाँ पे गिवन है। मिनिमाइज आपको पता है, मैक्सिमाइज आपको पता है, एंड क्लोज आपको पता होगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेग ट्रे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है उन्हें लेग ट्रे बोलते हैं। ट्रे जैसे हम लोग घर में आते हैं ना, मेहमान आते हैं तो ट्रे में चाय कॉफी देते हैं, वैसे ट्रे यहाँ पे बताया हुआ। दिस इज काइंड ऑफ ट्रे, ये पूरा का पूरा ट्रे है, ओके। ये पूरा ट्रे लेफ्ट राइट में जो भी गिवन हो उसे हम लोग ट्रे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका नाम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे उसमें ब्रशेज है, मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं। ब्रशेज, मटेरियल्स, टूल्स क्या होते हैं, सही दिख रहा है, ठीक है। लाइट बॉक्स ऑफ करते हैं, मेरे पास दिख रहे हैं, ये मस्त ब्रशेज हैं, ठीक है। ये ब्रशेज हैं, ये मटेरियल है, ठीक है, एनी टूल्स हैं, ठीक है। अगर मैं टूल्स में जाकर मैंने यहाँ पे कुछ लिया, जैसे मैंने कहा स्पेयर ले लिया मैंने, ओके। तो यहाँ से मुझे एक्टिव करने के लिए एडिट पे जाना पड़ेगा, तभी एक्टिव होगा। मेक श्योर कि ये, अगर आपका ऐसा कुछ काम है, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, वहाँ पे थ्रू मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों का, अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाई चीज़ों को कैसे हम लोग कवर अप करके देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई लाइक हम लोग ब्रशेज कैसे यूज कर सकते हैं। ये ब्रशेज है, तो अब यहाँ पे ब्रशेज आपको खुल के नजर आया, जैसे मैंने टूल लिया, इनमें ब्रशेज बहुत सारे हैं। लाइक अगर मैं कहूँ जीवीएस के अंदर मैं कहूँ, तो आपको ब्रशेज बहुत सारे मिलते हैं इसके अंदर, काफ़ी ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रशेज में आपको मैं बताऊँ, जैसे आपका लाइक क्ले है, ठीक है, जैसे हम लोग क्ले यूज करते हैं। अब रियल लाइफ में हम लोग कोई अगर क्ले से कुछ बनाए तो वो कैसे बनेगा, तो ऐसे क्ले में दे रखा, क्ले है, क्ले बिल्डअप है, ठीक है, मूव है, लाइक प्लानर है, पेंच है, पॉलिश है, बहुत अलग अलग है। तो इन सबको हम लोग एक बार यूज करके देखेंगे यहाँ पे, आराम से देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीजें, पहले जो थोड़ा सा जान लें कि मेरे पास यहाँ पे यूजर इंटरफेस में क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा भाई आपका कैनवस है। अभी कैनवस आपको पता है कि जहाँ पे 3D मॉडल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर कैनवस, ये इतना पार्ट कैनवस है, ठीक है। तो ये आपका कैनवस वाला पार्ट है, इस कैनवस में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट एफ आपका वायर फ्रेम का ऑप्शन होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्विफ्ट एफ, ओके। हमने कैनवस को यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे देखा फ्री मेमोरी कितना है 19 GB, एक्टिव मेमोरी कितना है 710, ठीक है, स्केचेस 45, पॉलीकाउंट, जो पॉलीकाउंट 0 KB नजर आ रहा है, ठीक है, मैस पॉलीकाउंट, ओके। ये भी चीज़ हम लोग भी ऐड ऑन करके बताएंगे कि भाई इसमें मैस्क का काउंट कितना है, पॉली काउंट कितना है, ठीक है। ये इस मॉडल का पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी देखा एक ऑप्शन है मेक पॉलीमेज 3D, ठीक है, मेक पॉलीमेज 3D करते हैं, यहाँ पे पॉली काउंट बढ़ गया आपका, मैस्क कितना है एक दिख गया। जब तक मैंने ये बटन नहीं दबाया था तब तक ये एक्टिव नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी जैसे मैं क्लिक करता हूँ पे, मैं इस पर गया स्विच कर दिया मैंने, स्विच करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट मैंने लिया पे, ठीक है, एंड टी कंट्रोल एन, टी से एक्टिव एंड कंट्रोल एन, यहाँ पे पॉली काउंट नजर नहीं आ रहा। मेक श्योर आपको ये देख लेना कि मेरे मॉडल के अंदर पॉली काउंट है कि नहीं। पॉली काउंट मतलब समझते हो कि मैं ये जो मॉडल बना हुआ है इसमें कितने पॉलीगन है, वो पॉली काउंट आपके यहाँ पे देखेगा, मैस काउंट ये। तो जो बाई डिफॉल्ट आपके यहाँ पे जो टूल्स हैं उसको यहाँ पे अभी एक्टिव करने के लिए बटन प्रेस करना पड़ता है। जब तक आप इसे ये बटन प्रेस नहीं करोगे मेक पॉलीमर 3D, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। इवन यहाँ पे मैस काउंट भी नजर नहीं आ रहा, मैस काउंट मतलब कि यहाँ पे कितना मॉडल है, एक है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव नहीं है। जब मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पे, मैस काउंट कितना हो गया 1, पॉली काउंट आपके यहाँ पे गिवन है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना,
मैं दो तीन चीज को मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास और क्या क्या चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ड्रॉ पैलेट है, यहाँ पे बता रहे कंटेंट्स, ठीक है, ऑप्शन फॉर ड्राइंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से यहाँ पे, ठीक है, ड्राइंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। तो अगर मुझे अपने चीज़ों को जो मॉडल हमने लिया है उससे अगर मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ड्रॉ पैलेट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं किसी चीज़ को मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी चीज़ को स्विच करता है, मैंने कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, मैंने पॉलीक्यूब किया, ठीक है। टी टी आपको ये ऊपर बटन है, शॉर्टकट में बोला हूँ टी, यहाँ पे एड्रेस से देख सकते हो आप यहाँ पे स्विफ्ट, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट हट नहीं रहा है, नहीं हट रहा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एन करते हो चला गया, ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसे मैंने कंट्रोल प्रेस करता हूँ, लेफ्ट क्लिक, तो ये मास्किंग में भी आता है, ठीक है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कंट्रोल एन किया, ये आपका मास्क हो गया, देखा, कंट्रोल एन चला गया, अभी नहीं है। लेफ्ट क्लिक से मैं इसे ओरिएंटेशन दे सकता हूँ, मतलब घुमा सकता हूँ इधर उधर, कैसे भी घुमाना, ओके, ये मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ भाई मुझे इस मॉडल को कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग से पैरामीटर्स होते हैं, अब पैरामीटर्स में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे जो ये टूल्स है यहाँ पे सबका नीचे आता है, जैसे यूजुअली क्या होता है हम लोग जो मॉडल बनाते हैं उसका पैरामीटर्स ऊपर ही आता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनिशलाइज करके दे रखा है, ठीक है, एक्स कितना मैनेज करना है, ठीक है, वाई कितना मैनेज करना है आपको यहाँ पे, एंड जेड कितना मैनेज करना है, ओके। यहाँ से मैं नंबर दे सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने कर दिया 20, एंटर, ठीक है, वाई पे गया मैंने कर दिया 20, 100 से ऊपर नहीं जाते, ठीक है, तो मैं ऐसे करके कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए गिवन है, ओके। फिर एक्स है, वाई है, जेड आपको पता ही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो साइड काउंट, ठीक है, तो आप ये बॉक्स को सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो। फिर अगर ऐसा लगे कि मैं इसे ट्विस्ट करना चाहता हूँ, मैं ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, तो बस यहाँ पे काफी चीजें जब इसको मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवीजन बढ़ रहा है क्या, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवीजन आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, मैनेज कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि चीजों का अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे चीजों को कैसे फुलफिल करना है, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनको मैं कैसे कस्टमाइज करना है, हाइट विड्थ डेप्थ कैसे मैनेज करना है, ये भी आएगा। इसके सिवाय अगर मैं चीजों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, जैसे मैंने एक बटन मैंने बताया ना, ये मैं क्लिक करके मैं इसे और भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास अगर जो मेरे पास मॉडल है तो इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका शेप चेंज करने के लिए मुझे मेक पॉलीमर 3D यूज करना पड़ेगा। फिलहाल में मैं अभी जस्ट यूआई पे ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी उसको भी लेकर नहीं जा रहा पे, ठीक है, ठीक है। टूल पैलेट में देख लें, यहाँ पे टूल पैलेट में यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखा टूल पैलेट में यहाँ पे क्या है, 3D ब्रशेस, इंसर्ट मैश, ठीक है, अलाउ टू सेलेक्ट एडिट एंड मैनेज योर टूल्स, ठीक है। अभी टूल पैलेट में आपका यहाँ पे क्या है, तो भाई इस टूल पैलेट अगर मैं कहता हूँ ये है मेरा टूल पैलेट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं अपने जो कैनवास का साइज है मेरे पास ओवरऑल जो दिख रहा है वो बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, ओके। देन इसके बाद मैं पिछले को देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे मिला टूल, तो टूल पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट मैं इस पर मैनेज कर रहा हूँ, ये जो घड़ी सा जो आइकन नजर आ रहा है इससे आप क्लोज कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। टूल पे क्या हम लोग ने यहाँ पे ये ऐड ऑन कर दिया, गॉट इट। अभी टूल के अंदर है क्या भाई, यहाँ पे लोड करना है, लोड टूल कर सकता हूँ, इसके अंदर मुझे कोई भी चीज अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, लोड टूल में यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स आपके पास गिवन है यहाँ पे, जिसका नाम है जेट टूल, jettl.jettl है यहाँ पे, ठीक है, .gif है और .png है, तो ये चीज मैं इसमें कॉल करके लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, ओके। जब भी मैं इसके अंदर फाइल जब सेव करूंगा, फाइल को सेव करने के बाद दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने कहा सेव, सेव एंड सेव है, ठीक है, सेव किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फॉर्मेट क्या लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा भाई डेस्कटॉप पे गए, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक फोल्डर में क्रिएट कर देता पे, ठीक है, लाइक 830, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सेव कर दिया यहाँ पे, ओके। सेव करते हैं, मैं लोड टूल में गया, लोड टूल में यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, देखो यहाँ पे अगर इस फाइल का फॉर्मेट अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे क्या ZBrush टूल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया विंडो डी, ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इसकी फाइल एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है।
तो मेरे पास इसके डिटेल्स में जाके देखिए भाई, मेरे पास क्या टाइप के जेट टूल है। ओके, जनरल से पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाएगा भाई, मेरे पास अगर चीजें ऐसी हैं तो मैं यहाँ पे किस टाइप से चीजों को मैं मैनेज करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये पार्ट आ गया, मुझे अगर ये कॉल करना है तो मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मेरे पास कॉल क्यू है, मुझे यहाँ पे लोड टूल करना है तो लोड टूल करके मैं लोड टूल में वो आ जाएगा। ठीक है, तो फाइल सेव कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं, ये पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इम्पोर्ट में आप FBX एंड OBJ, आप यहाँ पे जो नॉर्मली आपको देखेगा, देखो यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे गोजी का ऑप्शन है जिसको आप माया से कनेक्ट कर सकते हो। गोजी का मतलब क्या है, आपने माया और जीवस दोनों का सेम वर्जन डाल रखा है, इसका प्लगइन होता है इंटरकनेक्टेड। आपने गोजी बटन प्रेस किया तो यहाँ का मॉडल सीधे माया में, ये माया का मॉडल सीधे जीवस में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड गोजी। ठीक है, ओबीजे फॉर्मेट ज्यादातर जो यूज होता है, ओबीजे फॉर्मेट यूज होता है एमए का। ठीक है, माया फाइल, ठीक है, डॉट मैस है, अलग अलग फॉर्मेट देख रहे हैं, डॉट SC, ठीक है, यहाँ पे देखें 3MF करके है, ABC करके, एलेम्बिक फाइल यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डॉट TAE है। ठीक है, FBX ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, और PLY यूज होता है। और अगर आप प्रिंटिंग के लिए जा रहे हो, प्रिंटिंग मतलब कि जैसा होता है कि जो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया उसी मॉडल को मुझे प्रिंट आउट निकालना 3D में, तो उसके लिए STL यूज होता है। तो ये STL के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई अगर आप जा रहे हो कहीं पे इंडस्ट्री में, ज्वेलरी फील्ड में जा रहे हो, तो ज्वेलरी में आपको STL की डिमांड होगी। ठीक है, आपको लगता है कि कोई दरवाजा बनाना है, दरवाजे में किसी का फेस होना चाहिए। ठीक है, और वो फेस हमने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, वो डिटेलिंग वाला फेस हम लोग उस दरवाजे पे कैसे निकाले 3D प्रिंट के थ्रू। ठीक है, वो अलग अलग आपका पार्ट होता है, जैसे CNC का यूज हो रहा होता है कई ऐसे जगह। तो जो लोग इन सब वर्क में रहते हैं उनके लिए जीवस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, और उसके अंदर ज्यादातर .STL फाइल चल रहा होता है। ठीक है, तो ये चाहे ज्वेलरी हो, चाहे वुडवर्क हो, अभी जैसे स्टैचू भी आ रहे हैं, तो ऐसे मूर्तियां भी आ रही हैं जिसका, जैसे कि कोई कोई एक पर्सन नहीं रहता, उसका भी स्टैचू बनाना है डिटेल में। ठीक है, तो वो स्टैचू बनाने के लिए इसमें बनाते हैं और देन उसको प्रिंट आउट करके दे देते हैं। उसको बनाने में पहले आपको पत्थर से तोड़ ताड़ के बनाने में बड़ा टाइम लगता था, अभी वो पत्थर में ही बनाया जा सकता है। तो बहुत सी चीजें, तो ये सारे फॉर्मेट्स ये सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर देखेंगे, मेरे पास इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, गोजी है, ऑल विजुअल एंड लाइट बॉक्स टूल, काफी चीजें अभी गिवन है, इसको आराम से हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा टूल, पहले देखा यहाँ पे सब टूल है। ठीक है, सब टूल में यहाँ पे क्या दिखते हैं, सब टूल में देख इसी का पार्ट है जिससे मैंने सब टूल, ठीक है, विच आर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ योर मॉडल। ठीक है, अभी सब टूल में देखा, ये मेरे पार्ट यहाँ पे देखे सब टूल। अभी सब टूल में जो हम लोग काम करेंगे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे किया, मैंने सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है, मैं लेफ्ट क्लिक से इसे ओरिएंटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी है, फ्रंट है, लेफ्ट है, ठीक है, ठीक है, टॉप है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल व्यू नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे माया में मिलता है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों का कैसे मैनेज करना है, तो अगर मैं कोई भी काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, मुझे मेक कॉल मिस करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सब टूल मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने कहा मेक कॉल मिस 3D, ठीक है, मेक कॉल विथ 3D मतलब इसमें एक्टिव कर सकता है। सब टूल में यहाँ पे क्या मिलेगा, रीनेम करना चाहो रीनेम कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं दे रहा हूँ, तो कम से कम दो करेक्टर चाहिए। ठीक है, मैंने कहा बस, ठीक है, आगे यहाँ पे लो एंड हाई, मतलब इसके अंदर हम लोग डिविजन देते हैं। डिविजन में क्या होता है, जैसे हम लोग बेसिक मैथ होता है, इतना माया में भी मिल रहा होता है, तो हम लोग का इसमें क्या काम है। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर चीज़ों को देखना होता है, तो मुझे इसमें चीज़ों को कैसे फुलफिल करना होता है कि इसके अंदर मैं डिवीजन चीजों को मैं कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ऐड ऑन करने का मेरे पास यहाँ पे पार्ट होता है भाई, ऐड ऑन करने के लिए मुझे दूसरे उसमें जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाके मुझे यहाँ पे मिला है डिवाइड, तो डिवाइड में आपका ये क्या, वो आपने यहाँ पे डिविजन दिया है। सब टूल में गए, यहाँ पे का ऑल लो, ऑल लो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास अगर चार अगर अलग अलग मॉडल है उसको मुझे डिविजन कम करना पड़े तो मुझे टाइम लगेगा। यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिसमें ऑल लो एंड ऑल हाई, हाई का मतलब समझ आ रहा है, लो का मतलब समझ आ रहा है, ऑल का मतलब भी समझोगे तो आपको समझ आएगा, जब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे सबको एक बार में लो क्वालिटी में लेके आना है या सबको एक बार में हाई क्वालिटी में लेके आना है, तो ये इसका पार्ट होता है। ठीक है, कॉपी मिलेगा, कॉपी करना आपको पता होगा, कॉपी है, डुप्लीकेट है, मूव है, मूव किया मैंने यहाँ पे तो मेरे को मिल रहा है। ठीक है, देन अगर मैं चीजों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ अपेंड एंड इंसर्ट है, बहुत ही सिमिलर सी चीज है। अपेंड, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज करना है तो मैं इसके अंदर से कोई और पार्ट ऐड ऑन कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी क्या किया, रिंग कर दिया। ठीक है, रिंग आया, दिख नहीं रहा, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ये लेयर आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दिया मैंने। ओके,
ओके, यहां से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं पैनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ऑल्ट अगर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, और मैं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट माउस बटन मैंने प्रेस करके रखा है और अपने माउस को आगे पीछे करो, तो दैट इज कॉल्ड जूमिंग जूम आउट। मेक श्योर, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से मैंने यहाँ पे क्या किया, पैनिंग, ठीक है, दो बटन मैंने प्रेस कर रखा है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑल्ट को रिलीज कर दिया, मतलब ऑल्ट को मैंने छोड़ दिया, माउस को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने लेफ्ट माउस बटन प्रेस कर रखा है और मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड जूमिंग सुमो। ओके, तो ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट प्रेस कर दिया, एक आपको व्यू चाहिए, शिफ्ट फ्रंट साइड, आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, तो आप दिख रहा है, तो आपका शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक आपका बटन है, जिससे आप एक किसी एक एंगल में आप आके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, मेरे पास यहाँ पे अप एंड एंड इंसर्ट, इंसर्ट में भी आप चीजों को लिखा सकते हो, अपेंड और इंसर्ट में बहुत ही सिमिलर, बहुत ही कॉमन सा पार्ट है। जैसे मैं अगर मैं चीजों को अगर मैं मैनेज करूँ, दोनों ही आपको मैसेज को कॉल करते हैं, लेकिन अपेंड यूजली कब हम लोग यूज करते हैं, जब मैं किसी भी माया से कोई फाइल लेके आ रहा था और मेरे पास एक बार बहुत सारी फाइलें हैं, तो मैं एक एक करके अपेंड कर रहा था, तो वहां पे मेरा अपेंड यहाँ पे काम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास डिलीट है, डिलीट काम करता है, काम कर रहा है, डिलीट ऑल कर दिया, काम करता है क्या, कर रहा है ना। अभी डिलीट ऑल की बच कैसे गया, मतलब यहाँ पे कुछ खाली नहीं रहेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर मैंने बाई चांस कोई डिलीट किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन एंड डिलीट ऑल, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। वापिस आते हम लोग यहाँ पे, अभी आपको मिलता है टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन काम क्या करता है, जैसे हम लोग अगर एनिमेशन वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे टाइमलाइन की नीड होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि किसी चीज को, एक शेप को दूसरे शेप में लेके जाने का काम होता है, एक शेप को दूसरे शेप में लेके जाने, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉर्फ। मॉर्फ क्या होता है, रिसेंटली मैंने अभी क्या किया, लाइक मेरे चैनल पे कुछ वीडियोज हैं, मैंने अभी पंचमुखी हनुमान मैंने बनाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने मॉर्फिंग का एक आईडी दिया है। मॉर्फिंग का काम क्या होता है, आप एक ही फेस से दूसरे फेस में चेंज कर देते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चैनल पे चले जाओ, वीडियोस में जाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये देखो, देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये टेक्निक को बहुत डिटेल में समझाया कि मॉर्फिंग क्या है। मॉर्फिंग के अंदर मैंने इसमें बताया कि आप एक फेस से कितने फेस बना सकते हो, एक ही फेस है ये, इसमें मैंने वो टेक्निक बता रही है कि आपने बेसिक एक चीजों को बनाया, एक फेस बनाया, इसी से मैंने 5 फेस बनाया। फिर एट देन अगर यहाँ पे मैं दिखा, तो मैंने यहाँ पे एट देन मैंने चीजों को दिखाया भी कि अगर आप इसे बार क्वेश्चन करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो एट देन मैं यहाँ पे बताया कि भाई अगर आपको चीजें हैं तो मैं इसमें कैसे मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकते दिखा सकता हूँ, ठीक है, इसे क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे, आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी मुझे टाइम लाइन पे जाना है, तो टाइम लाइन में बस यहाँ पे क्या, अभी टाइम लाइन में यहाँ पे क्या, जैसे मैंने कोई चीज मैंने उठाया, जैसे लाइट बॉक्स है मेरे पास, मैं लाइट बॉक्स में एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं कुछ मुझे कुछ मॉडल लेना है, ठीक है, प्रोजेक्ट पे गए, मैंने जैसा मैंने एक मॉडल जस्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा शिफ्ट एफ, जैसे मैंने आपको बता रखा है, शिफ्ट एफ फॉर वायर फ्रेम, ठीक है, ये वायर फ्रेम आपको दिखा यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एफ मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि अगर मैं चीजों को देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जैसे कोई टर्न टेबल बनाना हो, है ना, तो यहाँ पे मुझे चीजों को देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मूवीज है, ठीक है, मूवीज में देखो कोई टाइम लाइन देखना है, ठीक है, लोड किया, ठीक है, उससे देखो यहाँ पे अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे 100 भी आगे तो ज्यादा बेटर है, मतलब बाई चांस मेरे पास अगर फाइल अगर गायब हो तो मुझे लोड करना पड़ेगा जहाँ पे आपका सीडा में जो डेटा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल सा पार्ट मैं क्या मूवी में यहाँ पे सिंपल मैंने शो कर दिया, जैसे पहले था, लेकिन अभी जैसे आप दूसरे यूआई में देखोगे तो उसमें दिखेगा, आप यहाँ पे शो कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है भाई मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग मूवी पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक टर्न टेबल भी है,
बटन क्लिक किया, आपका मॉडल घूम के प्रॉपर बढ़िया से वीडियो बन गया इसका, हमने वीडियो बना दिया, ठीक है। सॉरी, मूवी में गए, प्ले वीडियो करो, प्ले मूवी करो, यहाँ पे आपको चीज आ गया, ठीक है। आप यहाँ से चाहते तो आप यहाँ पे प्ले हो गया, एक्सपोर्ट करना चाहो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। .mpg में आपने यहाँ पे किया, ठीक है, सेव कर दिया। देखें हुआ कि नहीं हुआ, विंडो डी पे गए, यहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखा है, ठीक है। फिलहाल में इसमें वीएलसी में किसी में चला लो, बन के आ गया। थोड़ा सा लो क्वालिटी है, अभी उसको हाई क्वालिटी में करने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको बताया कि भाई ऐसा करके हम चीजों को दे सकते हैं। मुझे अगर वीडियो बनाना है तो मैं ऐसे वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी पार्ट है आपके यहाँ पे, इसके अंदर आप चीजों को देखो तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर मैं बोलता हूँ, मेरे पास लाइट भी है, लाइट है, जैसे इसके अंदर देखो डेप्थ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे दिख रहा है बीपीआर, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये ऊपर जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ये सैंपल्स प्रॉपर कैलकुलेट करते करते जा रही है। याद रखना, तो आप पेशेंस रखना, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो ये सब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, तब जाके उसे एक यहाँ पे शैडो एंड डिटेल दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है, कुछ शैडो एंड डिटेल्स आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा भाई टाइमलाइन में देखा, यहाँ पे लाइट बॉक्स है, लाइट बॉक्स में क्या काम होता है, जैसे रिसेंट फाइल किस पे काम करके, जिस पे मैंने काम करके वो फाइल मेरे पास यहाँ पे गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये फाइल मुझे दिखेगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। बीपीआर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बीपीआर का मुझे इम्पैक्ट भी नजर आएगा, नीचे ग्रेड दिख रहा है, ग्रेड पे ध्यान देना, आया आपका मॉडल दिख रहा है, उसका कॉन्टेक्ट शेडो नजर आ रहा है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि मैंने ग्रिड बोला तो ग्रिड गायब हो जाता है, वो ग्रिड गायब करने के लिए नहीं है, रेंडर करने के लिए। कहीं आपका माइंड में है कि नहीं भाई, वो तो ग्रिड गायब करने का ये बटन बताया सर ने, वो नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ देखो इसका लाइक प्रॉपर कॉन्टेक्ट शेडो सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको निकल के यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। लाइट बॉक्स के अंदर, लाइट बॉक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर आप चीजों को देख रहे हो, प्रोजेक्ट है, काफी प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे मिलेंगे बाई डिफॉल्ट, अगर आपको लग रहा हो, ठीक है, कि अगर आपको लग रहा हो कि इसके अंदर काफी चीजें हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे कई मॉडल्स मिल जाएंगे, आपको मॉडल चाहिए आप मॉडल यहाँ से कॉल कर सकते हो, आप यहाँ पे टूल्स, ठीक है, ब्रशेस, टेक्सचर्स, ठीक है, अल्फा मटेरियल्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नॉइज, इवन जैसे मैं अगर कोई चीज को दिखाऊं, एड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया जस्ट सिंपल सा पार्ट, मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट में जाकर मैंने ऐसे कुछ एक मॉडल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैगन ले लिया, देखो बहुत बढ़िया सा पैटर्न है, बहुत बढ़िया लाइक कलर दे रखा है पे, ओके। अभी यहाँ पे अगर मेरे को मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट चाहिए, जिसमें जैसा होता है ना दीवारों पे कुछ नॉइज वाला होता है, जैसे किसको स्टैचू बना दिया जाए, अभी वो हमें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैनेज करना होता है, इन लोगों ने बहुत ईजी वे में दे रखा है पे। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक मैंने किया, लाइट बॉक्स ऑफ कर दिया, देखो दिखा है अभी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया। तो ये सब काम बहुत ईजी है क्या, ये सब काम आप माया में जाके कर रहे हो कि शॉर में जाके कर रहे हो तो टाइम लगता है, यहाँ पर अगर आप क्रॉस चेक कर रहे हो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, नीचे आप यहाँ से कई चीज़ों को आप ऐड ऑन करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ को आप देख रहे हो तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसा पैटर्न बनाना है, ऐसा पैटर्न अपने आप में कलर कॉन्सेप्ट हो गया भाई, ये कैसे बना है, ठीक है। लेकिन ये टेक्निक है, इन्होंने सब कुछ चीज़ों को मैनेज कर दे रखा है कि भाई अगर आपने यहाँ पे चीज़ों को देखना तो ये कुछ ही नहीं है, बहुत है, ठीक है। जो देखना है काफ़ी चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे आपको जो भी कुछ करना है, जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट देखना है इन पैटर्न को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, इसके भी पूरे पैरामीटर्स हैं जिसको आपको मैनेज करना, मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया प्रोजेक्शन मास्टर, प्रोजेक्शन मास्टर का यूज क्या है, इसका जो यूज होता है मेनली टेक्सचर के लिए, आपको कोई भी टेक्सचर, रियलिस्टिक टेक्सचर को उठा के आपको लगा देना है, जैसे जीटीए का जो गेम आया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर कैरेक्टर की टेक्सचरिंग कर रहे हैं तो कैरेक्टर की जो टेक्सचरिंग है, लाइक सपोज कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है, तो मान लो सपोज मैंने एक एक्स पर्सन लिया, जैसे कोमल के कैरेक्टर लिया, अब उस कोमल के कैरेक्टर को उसका टेक्सचर मुझे जीटीए उठा के लगाना है किसी भी कैरेक्टर के फेस पे, तो उसका फोटो क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करके उसका फ्लैग 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं और उसे उठा के किसी के कैरेक्टर के फेस पर उठा के लगा देंगे, जो हमने उसे उठा के लगा दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन टेक्निक, वो ये टेक्निक है, ठीक है। तो हमने देखा लाइट बॉक्स, यहाँ पर प्रोजेक्शन भी है,
तो मैं पर भी इनको देख सकता हूँ अभी। इसके साथ में बस यहाँ पे जैसे एडिट बताया मैंने आपको, ड्रॉ बताया, ड्रॉ में जैसे दिख रहा है कोई भी चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे क्लिक कर देना, यहाँ पे एक सिंपल सा इसका एक पार्ट शॉर्टकट भी है, कॉमा कॉमा से आपका यहाँ पे लाइट बॉक्स ऑन एंड ऑफ हो जाता है यहाँ पे, ओके ठीक है। लाइट बॉक्स देखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाई मेरे पास और भी चीजें हैं, जैसे स्टेटस बार है यहाँ पे, ठीक है। एट अ बटन ऑफ द इंटरफेस इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट टूल वर्सेस एंड ऑल दोस थिंग, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, ठीक है। तो भाई अभी आपके यहाँ पे क्या मतलब, आप इसको आप स्टेटस बार का भी आप चीज़ों को दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, किसका एट द बॉटम ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, क्या दिख रहे हैं, करंट टूल वर्सेस एंड अदर्स, टूल्स वर्सेस एंड अदर्स, दिस इज कॉल्ड योर स्टेटस बार, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो भाई टूल एंड ब्रशेज आपको यही मिल रहे हैं, ठीक है। ब्रशेज आपके यहाँ पे हैं, टूल्स आपका यहाँ पे है, तो आप इसको दूसरे दूसरे नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या है, नेविगेशन इन्फॉर्मेशन है एंड क्विक बटन भी है, ओके। तो चीज़ों का आप अलग अलग वे में मैनेज कर सकते हो। जो ये मैंने डेटा लिया वो डेटा भी आपका क्या चैट जीपीटी से ले रखा है, कि भाई आपको आइडिया मिले भाई किसको क्या क्या बोलते हैं। और भी कई वीडियोज उसमें मैंने लाइक प्रॉपर नेमिंग करके भी मैंने दिखा रखा, तो उसके क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्विक एक्सेस बटन, जैसे मान लें अनडू रीडू एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे दे रखा भाई मुझे, अगर यहाँ पे क्विक एक्सेस एक्सेस बटन। अब ये क्या है, ये जो डेटा है ना, ये 2013 का डेटा है, हम लोग 2014 के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा बटन होता है जिसमें हम लोग अनडू रीडू का बटन वहाँ पे होता है, ये लेटेस्ट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं बस मेन्यूज में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अनडू एंड रीडू यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया मैंने काम एक पॉलीमर 3D कर दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सपोज यहाँ पे मैं ब्रशेस पे गया, ब्रशेस पे मैंने स्कल्प करना स्टार्ट किया, स्कल्पिंग नजर आ रहा है। यहाँ से आप कोई भी मटेरियल चेंज करके देख सकते हो आप यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ओके देखना है अभी, तो मटेरियल यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद अगर मुझे लगता है भाई मैंने यहाँ पे कोई ऐसा ग्लॉसी मटेरियल लिया, अभी यहाँ पे मैं जाकर कुछ स्कल्प करना चाहता हूँ, स्कल्प करने के लिए मैंने एक्स ऑन किया सिमेट्रिकल, ठीक है। देखो ना मैं स्कल्पिंग में चीजों को देख सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे ये देखो ड्रॉ साइज, ड्रॉ साइज से मैंने साइज को छोटा बड़ा देखते हैं, मैं ऐसे चीजों को मैं मैनेज करके देख सकता हूँ। गॉट इट। अभी यही चीज अगर मैं माय में बनाने वाला था तो मुझे यहाँ पे टाइम लगता है क्या, यहाँ पे सिंपल एक मैंने ड्रॉ किया और मैस में मैं बहुत अच्छे से चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने बिग ब्रैकेट यूज कर रखा है, शॉर्टकट है यहाँ पे इसका, आप यहाँ पे एस प्रेस करके भी आप काम कर सकते हो, एस पे क्या अपने साइज छोटा बड़ा आपने कर दिया, ठीक है। इसमें फोकल शिफ्ट भी है, ठीक है। फोकल शिफ्ट में आप देखें यहाँ पे, ओ फोकल शिफ्ट में देखो होता क्या है, बीच वाला पॉइंट पतला मोटा हो रहा है। तो आप यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने और छोटा करके यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके मैं निगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ, तो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने बिग ब्रैकेट किया और शिफ्ट प्रेस करके मैं स्मूथ भी कर सकता हूँ। स्मूथ करने से क्या हुआ, ये ब्लेंड हो रहा है, देखना मैं। तो इन सब चीजों को मैं आराम से मैं मैनेज करता हूँ, स्मूथ बहुत ज्यादा है। शिफ्ट प्रेस करते हैं 100 दिख रहा है, ये इंटेंसिटी है, मैंने कम किया भाई मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो मैंने कम कर दिया मैं, ओके। तो मैं चीजों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद लाइक अभी बेसिक बेसिक चीजों को हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने देखा फोकल शिफ्ट क्या है, ड्रॉ साइज क्या है, यहाँ पे ऐड हमने कर रखा है, ऐड का मतलब क्या, देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये ऐड है। यहाँ पे मैंने कहा सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या देखो है, अंदर की तरफ लेके जाने के लिए आपका सब्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ लेके जाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर, देखो यहाँ पे मैं देखो मैंने छोटा सा पॉइंट दिया। अभी ऐसा गोल गोल एक स्क्वायर बनाने में, ऐसा हॉलो करने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है माय के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइज को तो छोटा कर दिया यहाँ पे, ये देखो देखो यहाँ पे अभी काइंड ऑफ जेड एड में मुझे चाहिए, तो मैं ऐसे करके मैं ऐड कर सकता हूँ, गॉट इट, ठीक है। यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, स्मूथ कर दिया, तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे दिखाना है, भाई मैंने अभी दिखाया ऐसा कुछ एक पार्ट है जिसको मैं लाइक काइंड ऑफ ब्लेंड करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, देखो प्रोजेक्शन देखा, लाइट बॉक्स देखा, एडिट देखा, ड्रॉ देखा, मूव हमने देखा, ठीक है। मूव का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी क्या किया, अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। देखो लेयर एक ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सपोज मूव कर रहा हूँ, तो देखो दोनों तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। एक्स ऑफ कर दो आप यहाँ पे, एक्स का मतलब क्या, सिमेट्रिकल, ठीक है, एक्स का मतलब सिमेट्री ऑन, ओके। अभी यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मूव करना है, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकता हूँ, रोटेशन देना है, रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे स्केलिंग है, मैं स्केल भी कर सकता हूँ,
देख रहे हैं आप, तो इन सब चीजों को मुझे अगर एड ऑन करना है तो मैं एड ऑन करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो मूव रोटेट द स्केल। अब जैसे माया के अंदर जो शॉर्टकट होता है W फॉर मूव, E फॉर वहां पर रोटेट होता है, यहाँ पे E फॉर रोटेट नहीं है। मेक श्योर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे E फॉर स्केल है, R फॉर रोटेट है। ठीक है, माया के अंदर और जीवस के अंदर ये थोड़ा सा चेंजेस है। यूजुअली हम लोग कई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें कॉमन ही होता है W या ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है W फॉर मूव, R फॉर रोटेट एंड E फॉर स्केल। तो आप इसको देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ पे जाते हो तो ड्रॉ पे आप क्या कुछ देखो, यहाँ पे मूव पे गए और ड्रॉ, ये दोनों में से एक ही चीज आपका एक्टिव होगा, चाहे ये और चाहे ये। ओके, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ से ड्रॉ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या मर्ज करना है, मर्ज क्या होगा, ये दो चैनल्स को मर्ज करने वाले हैं। आरजीबी मतलब मुझे कलर पेंट करना है, मैंने आरजीबी पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं जाके मैं जब चीजों को अगर मैं मैनेज करा तो मेरे पास यहाँ पे चीजें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज एड ऑन किया। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या है, मैंने कर दिया कलर पे गया फिल ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे जाके आप कलर चेंज किया। अब देखो रेड कलर आया है क्या, रेड कलर आने का मोटिव क्या है भाई, मैंने सबका सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर कर दिया, अब रेड कलर भी आ रहा है। लेकिन इसमें दो चीज आ रही है, कलर भी आ रहा है और स्कल्पिंग भी हो रही है, तो मुझे अगर स्कल्पिंग नहीं चाहिए तो मैंने जेड एड को ऑफ कर दिया। अभी आपका रेड कलर आ रहा है, देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो आप चीजों को देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है मटेरियल चैनल, तो मटेरियल चैनल में आप यहाँ पे जो मटेरियल यूज करते हो उनको हम लोग भी एड ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है, जेड एड जेड सब देखा हम लोगों ने, फोकल शिफ्ट हमने देखा यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको एक्टिव पॉइंट और टोटल पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक्टिव पॉइंट और टोटल पॉइंट आपको समझाता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग आ गए सब टूल है ना, ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड, डिवाइड करते आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने डिवाइड किया ये 7.544 मिलियंस में चला गया है, डायरेक्ट मतलब डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया। अभी इसके अंदर मैंने क्या किया, जो सपोज मैं सब टूल में गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लाइक गियर डाल दिया मैंने पे। ठीक है, अभी देखो दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, एक्टिव पॉइंट और टोटल पॉइंट पे। एक्टिव जो आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एक्टिव पॉइंट, जैसे ये सिलेक्टेड है, मुझे अगर मैंने ड्रैगन को सिलेक्ट किया तो अभी सिलेक्टेड कौन सा है ड्रैगन, तो 7.544 मिलियन ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे गए, यहाँ पे एक्टिव कौन सा है गियर है ना, तो इसका कितना पॉलीगन है 8192। तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो मेरे पास अगर दो तीन अलग अलग लेयर में मॉडल है तो उसमें एक्टिव पॉइंट जिसको सिलेक्ट करके वो एक्टिव पॉइंट होगा। यहाँ पे ये ड्रैगन पे गए तो ये एक्टिव पॉइंट हो गया, ये इस पे गए गियर पे गए तो ये एक्टिव पॉइंट हो गया, गॉट इट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पता चला भाई, मेरे पास अगर एक्टिव पॉइंट क्या होता है टोटल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास अभी लाइक क्विक एक्सेस बटन, जैसा मैंने बताया अंडू रीडू, कस्टमाइज आपके पास है यहाँ पे भाई, कस्टमाइज आप यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकते हो भाई, कैसे आपको कस्टमाइज करना है। और जैसे मैं यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कस्टमाइज मेरे पास इंटरफेस है, मैं इनको कैसे अगर मैं मैनेज करूँ, चीजों को कैसे मैं फुलफिल करूँ, तो मेरे पास चीजें यहाँ पे देखती हैं। ठीक है, किस टाइप से मैं चीजों को अपने अकॉर्डिंग में कस्टमाइज कर सकता हूँ। बाकी जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको मैं अगर ऐड ऑन यूज करूँ यहाँ पे भाई, मुझे यहाँ पे इसे ऑफ करना है, जैसे फोर्स ऑफ अगर आपने यूज कर रखा है तो फोर्स ऑफ में आपने यहाँ पे गया, इस पर आप यहाँ पे चीजों को देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे देखो आपके पास स्क्रॉल है तो स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल में आपका सीधे तो सीधे डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने कहा जूम इन जूम आउट, ठीक है, तो जूम इन जूम आउट है यहाँ पे, एक्चुअल साइज पे आ गया यहाँ पे आपका हाफ साइज, जितना आपको उसका हाफ हो जाएगा एक्चुअल का हाफ साइज, जिस आपको इसका यूज करना है आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव है, जैसे इसमें क्या है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप जीवस के बारे में जानते हो, जीवस क्या है, जीवस पहले 2.5D करके सॉफ्टवेयर आता है, 3D नहीं है, अभी 2.5D एंड 3D दोनों में कंसिडर किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे पी प्रेस करो, पी फॉर प्रोस्पेक्टिव, देख रहे हैं कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो नॉर्मल आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव करता हूँ तो मुझे प्रॉपर 3D नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे फ्लोर है, जो मैं आपको ग्रिड बता रहा था जिसे ऑन ऑफ करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोर में गए, यहाँ पे चीजों को मैंने रखा, इसको मैं ऑन एंड ऑफ मैं यहाँ पे करके देख सकता हूँ। यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री है लोकल सिमेट्री, मैं आपको तो साइड देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो सिमेट्री मतलब एक्स, मैं यहाँ पे जो भी कोई काम करूंगा मुझे देखेगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जेट एड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मली जैसे देखा यहाँ पे, ओके मैंने इसे एड ऑन कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट नजर आ रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये अगर मैं थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया एक्स, ठीक है मूव किया हल्का सा रोटेट किया, ये नॉर्मल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पिछले कई वर्जन में सॉल्व नहीं हुआ, हर वर्जन में हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं
इनके जो भी कम्युनिटी होती है तो वो धीमे धीमे ऐड ऑन करते हैं। अभी यहाँ पे मैं गया, ड्रॉप पे गया, मैं यहाँ पे देखो स्कल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर मुझे ऐसे सिचुएशन पे मुझे अगर काम करना है तो मैं अभी यहाँ पे चीजों को अगर मैं मैनेज करता यहाँ पे, तो मैं बस कहाँ गया एक्स पे आ रहे। तो यहाँ से लोकल सिमिटी अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि मैं चीजों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ आप इस चीज को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देख रहा है अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज कैसी नजर आ रही है यहाँ पे। तो आप इन चीजों को क्रॉस चेक करके देखो भाई, मेरे पास ये चीज ऐसे आ भी रही कि नहीं आ रही। तो कई जगह लोकल सिमेट्री बहुत बढ़िया काम कर रहा था, कई जगह लोकल सिमेट्री बहुत बढ़िया, तो क्या दिख रहा है अभी नहीं भी काम कर रहा था। देखो यहाँ से देखो, मैं अगर स्कल्प कर रहा था, देखो यहाँ पे जहाँ एक्टिव मिला वहाँ पे आपको ये काम करेगा आपका, तब ऐसे करके भी मैनेज करके दे रहे हो आप यहाँ, ठीक है। ऐसे करके आप दिखा सकते हो कि भाई मुझे कोई भी चीज को अगर मैनेज करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन देखा, कैमरा लॉक, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, लॉक हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। बाई चांस अगर आपसे कभी गलती से क्लिक हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना कि भाई ये लॉक हुआ तो कहाँ से हुआ। जब इस एक्स वाई जी में मैं रोटेट करके देख रहा हूँ, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप इस पे नहीं काम करते तो वाई पे काम करोगे, वाई पे अगर आप चीज देखो वाई पे कैसे काम कर रहा है, जेड पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग एक्स वाई जी पे ही काम करके देखते हैं। फ्रेम जैसे मैंने पे दूर गया, मेरे पास यहाँ पे मैंने एफ प्रेस कर दिया, ठीक है, एफ फॉर फोकस भी होता है, एफ फॉर फ्रेम भी होता है, ठीक है। तो मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, जस्ट सिर्फ यहाँ पे क्या, ओके, यहाँ पे मूव है, मूव में यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे, अगर मैं यहाँ पे ऑल टू लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। मूव भी बोलते हैं, पैनिंग भी बोलते हैं, जूम इन जूम आउट, ठीक है, रोटेट करना है यहाँ पे इधर से उधर रोटेट, जैसे इधर से तो घुमा रहा था ये ऐसे, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा कुछ एक यूआई हमने देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पे काफी चीजें मुझे पता चल रहा है कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ब्रशेज मैंने आपको बताया, ठीक है, हम लोग अभी वन वन करके हम लोग डील करेंगे। ब्रशेज हैं, स्ट्रोक्स है, ठीक है, अल्फा है, टेक्सचर्स है, ये सब चीज हम लोग वन वन करके देखेंगे। आज हम लोगों ने जस्ट बेसिक यूआई देखा, अभी देखो कि आपको यूआई में काफी चीज जानी पहचानी चीज नजर आ रही है। मेन्यूज को मैं ऑन एंड ऑफ करके देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सी थ्रू है, क्विक सेव है, आप यहाँ पे जो भी कोई काम कर रहे हो आपको आइडिया मिलेगा क्या, ओके। तो अभी आपके माइंड में क्या रहना चाहिए कि भाई अगर मैं जीवस अगर मैं सीख रहा हूँ तो मुझे पहले यूजर इंटरफेस के बारे में बेसिक्स पता हो, इसको दो चार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ठीक है अभी मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ पे चीजों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ वो मुझे एक आइडिया मिल रहा है, ओके। लेटेस्ट वर्जन में काफी चीजें नई भी है, तो काफी चीज हम लोग उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्लास था हम लोगों ने देखा जेडब्रस यूजर इंटरफेस, ठीक है। थैंक यू।